हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां ना कोई देश, ना सरकार, ना मनुष्य रहता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। वैसे तो यह कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद पांचवां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का तापमान -89 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों बता दें, यहाँ पर 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं जो आदमी को अंधा कर सकती हैं। लेकिन इस महाद्वीप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उपस्थित हैं जो विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को यहाँ तक खींच करके लाती हैं। तो दोस्तों प्रश्न फिर यह उठता है कि लोग वहाँ जाते कैसे हैं, वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे इस जगह पर अपने प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं, आइए इस एपिसोड में। जिन्होंने हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नए नए वीडियो और एपिसोड देखने के लिए और नई जानकारी जानने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। दोस्तों बताया जाता है, पहले ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका से अलग होकर साउथ पोल्स पर सेटल हो गया था। दोस्तों इसके एरिया की बात करें तो 54 लाख वर्ग मील में इसका एरिया फैला हुआ है। सन 1773 से 74 में कैप्टन जेम्स कुक ने इसको सबसे पहली बार तब खोजा जब उन्होंने एक बर्फ की बड़ी दीवार को यहाँ पर देखा। तब उन्होंने अनुमान लगाया कि इस बर्फ की विपरीत जमीन जरूर होगी, जो आगे चलकर सत्य साबित हुई। दोस्तों आपको बता दें, किसी एक देश का नहीं है, यह अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। दोस्तों आपको बता दें, यह संधि 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में आयोजित की गई थी, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसमें 12 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, यूके, यूएसए, सोवियत संघ, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे तथा साउथ कोरिया शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब तक इसमें 54 देश शामिल हो चुके हैं तथा इंडिया ने भी साल 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ जाना चाहते हो तो पहले यहाँ के मौसम की जानकारी आपको दे देता हूँ। दोस्तों वर्ष भर यहाँ तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं तथा यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप भी है। दोस्तों बता दें आपको, यहाँ पर -89 डिग्री टेम्परेचर 1960 में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों यहाँ इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ के बड़े बड़े टीले भी मौजूद हैं। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि 98% अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1600 मीटर बर्फ की चौड़ी दीवार बनी हुई है। इसे सूखा महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और जो भी वर्षा दोस्तों यहाँ पर होती है वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर सामान्य इस अवस्था में देखें तो यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, लेकिन जीव जंतुओं के आकार में देखा जाए तो पेंगुइन, सील, निमीटोडा, पिस्सू व सैवाल तथा टुंड्रा वनस्पतियां यहाँ पर होती हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो दोस्तों गर्मियों में यहाँ कम से कम 5000 वैज्ञानिक यहाँ आते रहते हैं। वह गर्मियाँ खत्म होने से पहले ही सभी लोग वापस यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि समुद्र की तेज लहरें चलती हैं जिसमें जीवन जो है हमारा फंस सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ सर्दियों के समय भी कुछ वैज्ञानिक अपनी खोज करते रहते हैं और यहाँ पर आने के लिए एकमात्र साधन जहाज या बोट ही होता है। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यूके, चीन, यूएसए, फ्रांस, जापान, इंडिया व अन्य देशों के लगभग 70 रिसर्च सेंटर हैं। यहाँ पर भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं। सबसे पहला रिसर्च सेंटर भारत का दक्षिणी गंगोत्री के रूप में था जो फिलहाल बंद है। दोस्तों आपको बता दें, दूसरा स्टेशन मैत्री 1989 में सिरमाक चट्टान पर है जहां पर मीठे पानी की झील प्रियदर्शनी भी बनाई गई है। तीसरे स्टेशन के रूप में भारती 2021 से नवीनतम स्टेशन है। ये स्टेशन दोस्तों अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाए यहाँ पर जाते हैं, जिनमें किचन, जिम, ऑफिस, क्लिनिक जैसी आदि सुविधाएं होती हैं। यहाँ सब कुछ, किचन साफ करना, कुकिंग करना, बाकी के अन्य कार्य सभी वैज्ञानिक आपस में मिलवाट करके खुद ही करते हैं। यहाँ रहने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए काफी किफायती ऊनी कपड़े व ठंड से बचने के लिए एक के ऊपर एक कपड़ा व अन्य ऊनी जुराब पहनना जरूरी है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, हाथ, पैर, कान, नाक को कभी खुला नहीं रखा जा सकता। बात करें खाने की तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ ट्रांसपोर्ट से ही खाने का सामान लाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई जमीन नहीं है जिससे खाना उगाया जा सके। इस खाने को महीनों भर के राशन के लिए मीट, फल, दूध आदि सभी को स्टॉक करके रखा जाता है। पीने के लिए दोस्तों पानी को बर्फ को ही पिघला करके पीते हैं। और आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया का 70% शुद्ध पानी यही अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। दोस्तों सोने की बात करें तो सोने के लिए
यहाँ पर थर्मोबैरिक रूम व स्लीपिंग बैग का यूज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल धीरे धीरे अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ जो है वो पिघल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या वृद्धि के कारण यह शुरुआत हो चुकी है। और अभी इस ट्रीटी के तहत इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ समय की पता नहीं है, क्योंकि इस महाद्वीप पर अगर भौतिक वस्तुएं जैसे गैस, पेट्रोलियम और हीरा समुद्र में मिलते हैं तो प्रत्येक देश इस पर अपना अधिकार चाहेगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।